जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदी से एक मामला सामने आया है, जहां ग्राम सभा की बैठक में सरपंच, उपसरपंच व प्रभारी सचिव मौजूद थे। बैठक के बाद हस्ताक्षर करने पर उपसरपंच के पति द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा था, जिस पर प्रभारी सचिव ने नए नियम का हवाला देकर रोक लगा दिया था, जिस पर सरपंच, उपसरपंच, प्रभारी सचिव पर नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चांदी में सरपंच अभयराज सिंह, उपसरपंच सुधा देवी सोनकर के साथ रोजगार सहायक दिवाकर सिंह, जो कि पंचायत में प्रभारी सचिव हैं, जहां ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पंच व ग्रामीण जनता भी मौजूद थी। जब बैठक के बाद सभी लोग हस्ताक्षर किए, इसके बाद उपसरपंच सुधा देवी के पति प्रधान लाल सोनकर उपसरपंच का हस्ताक्षर करने लगे, तो प्रभारी सचिव दिवाकर सिंह मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र, जिसमें महिला जनप्रतिनिधि के पति की दखल पर रोक लगाई गई है, इसी का हवाला दिया और रोक लगा दिया, जिस पर उपसरपंच के पति प्रधान लाल सोनकर व सरपंच अभयराज सिंह नाराज हो गए और गाली गलौज करते हुए ग्राम सभा की बैठक की पंजी को फाड़ दिए और धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें हरिजन एक्ट में फंसा दूंगा। और सरपंच ने कहा, जब हमें दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों रोक रहे हो। वहीं प्रभारी सचिव ने बताया कि सरपंच अभयराज सिंह वर्ष 2009 से पंचायत भवन पर कब्जा किए हुए हैं। इसी बात की शिकायत जवा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एबी खरे से की तथा गाली गलौज व धमकी की शिकायत जवा थाना में कर कार्यवाही की मांग की गई है। दिवाकर सिंह, ग्राम रोजगार सहायक चांदी, 16/8/2022 को 11 बजे से ग्राम पंचायत चांदी की ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सब लोग, जनता लोग आते थे और अपना सिग्नेचर कर रहे थे उपस्थित पंजी में। इतने में प्रधान लाल सोनकर आए, अपना सिग्नेचर किए और बोले कि मैं अपनी पत्नी का भी दस्तखत मैं ही कर दूंगा, तो वो सरपंच है। तो मैंने कहा कि उनको बुला लाइए, वो बोले कि नहीं, वो घर में रहेंगी, बच्चों को काम धाम देखेंगी, उप सरपंच ही 5 साल मैं ही चलाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, शासन का आदेश है कि आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, बुला लाइए उनको। तो वो बोली कि नहीं, मैं ही 5 साल करूंगा। तो सरपंच बोले, श्री माननीय अभयराज सिंह जी द्वारा कहा गया कि जब मुझको दिक्कत नहीं हो रही सिगरेटी, तो तुमको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रधान लाल को दस्तखत कर लेने दीजिए उप सरपंच को। मैंने कहा नहीं, देखिए सरपंच साहब, कि जो पद में है वही दस्तखत करेंगे। तो प्रधान लाल बोले कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करने दोगे हमको, तो मैं तुमको हरिजन एक्ट में फंसा दूंगा। और इतने में सरपंच महोदय द्वारा गाली देना शुरू कर दिया गया कि ये है वो है, तुमको मैं देख लूँगा, मैं तुमको हटवा दूंगा। तो ये भी फिर लोगों के द्वारा समझाया गया, तो मामला थोड़ा शांत। आपने इस संबंध में कहाँ कहाँ शिकायत की है? मैं जैसे ही मीटिंग हमारी ख़त्म हुई ग्राम सभा की, तो फिर मैं आया जनपद अपने और जनपद सीओ साहब को दे दिया लिखित में कि सर, ऐसी ऐसी घटना हो गई हमारे साथ, क्योंकि कल क्या है कि जो ग्राम सभा की पंजी है और ये ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर है, उसको वो फाड़ दिए। वो बोले, जैसे ही बैठक खत्म हुई तो बोले, सेक्रेटरी अभी आप रुकिए, थोड़ा काम है आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं रुक गया। तो 5-6 लोग और मतलब रुक गए, जैसे जनता रुकी थी, उन्हीं के सामने वो बोले कि ये पंजी दो हमको, तो रखी थी तो ले ली टेबल से। तो उसको प्रधान लाल उठाए और बोले कि जिस पंजी में हमको दस्तखत नहीं करने दिया गया, तो बताइए उस पंजी को कोई महत्व नहीं, उसको फाड़ दिए। तो प्रधान जी, सरपंच साहब बोले कि जब ये स्थिति है तो आज की ग्राम सभा ही नहीं माननी होगी, मैं ये रजिस्टर फाड़ दिए। अब बताइए, इस तरह की घटना हो रही है, अगर दस्तखत करने देते हैं हम, तो सरकार की कार्रवाई करेगी हमारे ऊपर, क्योंकि आदेश है, अगर करने देते हैं तो यहाँ दिक्कत है पंचायत, बताइए कैसे हम सेफ रह पाएंगे। ये है कि बताइए, जो ये सोनिया देवी बोल रही हैं कि मुझको टोकन नहीं मिला, 2003 के BPL सर्वे में उनके पति राम गोपाल का नाम AAY में जुड़ा हुआ है और तब से एक खाद्यान्न उनको मिल रहा है, आज भी उनके पास AAY का कार्ड है। और 16 तारीख के पहले जो भी डेट को खाद्यान्न मिला हो अगस्त में, उनको 35 किलो का खाद्यान्न मिलता है, अगर 2 महीने का मिल जाता है तो 70 किलो हो जाता है। तो बताइए उसमें कैसे उनका दोबारा टोकन, कोई पैसा क्यों देगा। रही वृद्धा पेंशन की बात, तो वृद्धा पेंशन स्वीकृति या तो लोक सेवा से लोग करते हैं, जनपद से स्वीकृत होता है। और मैं अभी 3-4 महीने से ही प्रभार में हूँ, अप्रैल से, इसके पहले पूर्व सचिव थे।
और मेरे कार्यकाल में तो सिर्फ आचार संहिता लग गई ये है। और एक सुशीला देवी से ये बुलवा रहे हैं कि कहते हैं कि मतलब ये भी मेरा पैसा लिए हैं आवास में, जब इनका नाम ही नहीं है और इनके पास 5-6 कमरे पक्के मकान हैं तो इनको आवास कैसे मिल पाएगा। ये तो देश की भावना है, क्योंकि सरपंच के चुनाव अभी हुआ है, उसमें हमारी बड़ी भाभी सरपंच के चुनाव लड़ गई। अब ये सरपंच साहब का कहना है कि तुम क्यों लड़ा दिए अपने भाभी को, अब बताइए, तो जनता का है, ये तो सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सरपंच साहब ये कहते हैं कि हम 261 वोट पाए हैं, हम जिससे जो चाहें वो बुलवा सकते हैं। इस तरह कैसे हो पाएगा कि जिससे चाहेंगे जो बुलवा देंगे, तुमको हटवा देंगे, अब तुमको नहीं रहने देंगे ग्राम पंचायत में। चांदी की बैठक में 16 तारीख को जब हम पहुँचे तो वहाँ जो है तो प्रधान लाल दस्तखत करने के लिए रजिस्टर मांग रहे थे अपनी बीवी के। सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि अपनी बीवी को बुलाइए, जो है तो ये रूल है, जो उप सरपंच है सरपंच है वही दस्तखत करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो सरपंच साहब बोले जब हम नहीं विरोध कर रहे हैं तो आप लोगों को विरोध करने की क्या ज़रूरत है। फिर थोड़ा इधर उधर हुआ, उसके बाद जो है तो सब लोग जाने लगे तो सेक्रेटरी साहब को रोका गया दिवाकर सिंह को कि 10 मिनट और रुकिए, थोड़ा काम है। प्रधान लाल ने एक रजिस्टर ले लिया, एक सरपंच साहब ने ले लिया और वो जो है तो फाड़ दिए, बोले आज के बाद बैठक नहीं होगी। और प्रधान लाल ये कह रहे थे कि अगर कुछ करोगे तो हम हरिजन एक्ट लगा देंगे। और जहाँ ये बात है कि आवास लिया, आवास के या पैसा लिया जाता है, तो हम मेरे भैया एक आवास है जो मुझे एक पैसा नहीं लगा, और मेरी माता जी को विधवा पेंशन है उसमें भी मुझे एक पैसा नहीं लगा। और ग्राम पंचायत जो बनी है उसमें सरपंच साहब स्वयं का कब्जा किए हुए हैं, जो कि ये बैठक आंगनबाड़ी में होती है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे ग्राम पंचायत में कोई कार्य तो हो नहीं सकता है, हम लोग गरीब मारे जाएंगे।